तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, मैं मुरली वाले हौसला जौनपुर सिटी से काफ़ी दूरी पर आ चुका हूं। ये पावन सरजमी है आजमगढ़। मुझे कई बार यहां पर सेवा करने का मौका मिला। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों इस मिट्टी को मैं प्रणाम करता हूं और आशीर्वाद की कामना के साथ एक मेजबान को बचाता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ फटाफट के अंदाज में। दोस्तों, ये जीव जंतुओं से भरा हमारा धरातल, ये हमारा ब्रह्मांड, इसमें आपका अहम भूमिका है। अभी जीवों को बचाने में एक मोहब्बत नाम की जो चीज़ है वो इंसानों में है और भी जीवों में है दोस्तों, लेकिन इंसान वही है जिसमें इंसानियत। आइए प्लीज़ कम आपको दिखा दूँगा। दिखा हम आगे हैं, आइए यहीं पर बैठा हुआ है दोस्तों। एक बड़ी बात यह है, ठंडक के महीने में ऐसे सांपों का थोड़ा से निकलना तो लाजमी है ही है, थोड़ी इनको प्रॉब्लम भी होती है। तो दोस्तों, इसे हमारे भारत में इंग्लिश में इंडियन रॉक पाइथन के नाम से जानते हैं, कहीं कहीं पर इसे चित्ताड़ और कहीं कहीं पर इसे चीतर के नाम से भी जानते हैं हिंदी में, गांव में। वैसे इंटरनेशनल इसका नाम इंडियन रॉक पाइथन, अजगर भी इसको कहा जाता है। दोस्तों, एक कहावत है कि अजगर करने चाकरी और पंछी करने काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये दोस्तों अपने भारी भरकम शरीर होने की वजह से कहीं ज्यादा दूर भागता नहीं, जहां पर रहता है ऐसे ही बैठा रहता है फर्स्ट क्लास, और मालिक इसको भोजन स्वयं देते हैं। अगल बगल आने वाले जीवों को अपना निवाला बनाता है। जंगल झाड़ियों में रहने वाले जितने भी जीव है दोस्तों, कभी कभी ये खरगोश को, सियार को, लोमड़ी को, कुत्ते को, बड़े से बड़े जानवर के छोटे से छोटे बच्चे को ये खाता है, और यही विद्यालय में छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं। आप समझ सकते हैं दोस्तों, अगर ये किसी दिन खतरा कर देगा तो फिर ये भी मारा जाएगा। अभी पिछले महीने एक बकरी के बच्चे को निकल गया था ये। अच्छा, ये सामने नहर है। हाँ, नहर में बकरी का बच्चा चर रहा था। हुँ. तो ये पता नहीं कहाँ से उसे लपेट लिया और निकल गया था। फिर क्या हुआ? बच्चा था, उसके बाद काफी गांव वाले देखे तो इसको डंडा वंडा मारना शुरू किए, फिर इनका शायद होता है ना पलटी कर देते पलटी करने के बाद, तो वो पलटी कर दिया था और बच्चा मर गया। तो दोस्तों, इंतजार की घड़ियां समाप्त होती हुई अब मैं इसे यहाँ से लेके चलता हूँ थोड़ा से विद्यालय में। बच्चों को जागरूक करेंगे और बच्चों को भी दिखाएंगे, उनको थोड़ा से एक्टिव करेंगे कि बच्चे आप लोग ध्यान पूर्वक रहिए, कभी इस विद्यालय के आगे पीछे ना जाएं, नहीं तो खतरा हो सकता है। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को देख के काफी नहीं कीजिएगा, ये काम एक एक्सपर्ट के लिए है। नहीं, चलिए दोस्तों, ये अभी तो मान लीजिए छोटा भी है, इसको ये छड़ी ले लीजिए, चलिए भैया इसको थोड़ा पकड़ लीजिए, एक लोग एक आग लोग थोड़ा सहयोग कर। हाँ, बीच में पकड़ ला। माला फूल बचा के भैया, माला फूल बचा के, चलो जरा बच्चों को दिखा दीजिए। रख दीजिए, नीचे रखिए, नीचे रखिए, तो दोस्तों आप ये देख के समझ सकते हैं ये छोटा सा अपना एक प्राथमिक विद्यालय है और यहाँ पर बच्चे भी बहुत छोटे छोटे बहुत मासूम हैं। अच्छा, ये काहे नहीं काट सकता? हाँ सर, ये काट सकता है, इसके दांत बहुत बड़े होते हैं दोस्तों। इसकी पूरी लंबाई हमारे भारत में लगभग 15 से 16 फीट के आसपास आकी गई है। एक सांप और होता है जिसको हम एनाकोंडा कहते हैं, वो हमारे देश में नहीं मिलता है। एक अजगर, एक एनाकोंडा, इनकी कई रंग बिरंगी प्रजातियां होती हैं। चलिए दोस्तों, एक बार मैं बच्चों से जरा जानना चाहता हूँ यहाँ के बच्चे कैसे क्या समझते हैं। बच्चों आप लोग ये बताओ, इससे डर लगता है? डर लगता है इससे? अच्छा, इसमें से इसको कोई पकड़ सकता है? टॉफी मिलेगी, टॉफी पकड़ने आ रही है। ध्यान से सुनो, पहले जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते, घर में शरारत करते हैं, मम्मी पापा का कहना नहीं मानते, गुरुजन का कहना नहीं मानते, और होमवर्क जो पूरा नहीं करते, उसी को काटने के लिए सांप आता है, ऐसे काट लेगा।
ठीक रहे हो ना? सुनाई दिया? अच्छे से पढ़ाई करना, घर में शरारत नहीं करना, आज्ञाकारी बनो, जो गुरुजी होमवर्क देते हैं उसे पूरा करना। शरारत आप लोग करते हो? नहीं, भागने नहीं वहां नहीं जाएगा। चलिए अब इसे हम पैक करते हैं। और ये अजगर में आता है कि चित्तायन बोला जाता है, ये चित्तायन। देखिए जो चित्तायन है सर, उसे अलग अलग गांव में बोलते हैं चित्तायन, मतलब ये जो चित्तीदार बना है, इसलिए इसका नाम चित्तायन हो गया। हाँ, ये अजगर है, इसको अजगर कहते हैं, चित्तायन कहते हैं, चीतर कहते हैं इसके। इसका जो इंग्लिश नाम है उसे इंडियन रॉक पाइथन कहते हैं, रॉक पाइथन। हाँ, रॉक पाइथन। तो चलिए दोस्तों हम इसे पैक कर देते हैं। बच्चे थोड़ा दूर रहो, पकड़ लेगा। इसको रेस्क्यू करके आप लोग जंगल ही मिले जाएंगे, जहाँ घर परिवार ना हो सर, नदी के किनारे कहीं से। तुम कब भर्ती हो भैया? इसके दांत को देखो भैया, ये शुरू करा दोस्तों, इसकी बड़े जबरदस्त दांत हैं। दोस्तों ये इसके बड़े बड़े दांत हैं, बगैर किसी आक्रामकता के किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। जब ये छेड़छाड़ समझता है तभी जाकर के इसके बड़े बड़े दांत हैं। ये दोस्तों इसमें वेनम तो नहीं पाया जाता, लेकिन अपने भोजन के लिए ये इसके लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही जरूरतमंद है। चलिए हम इसे पैक कर देते हैं। पैक अप सर। क्या दोस्त, थोड़ा दूर है तभी तो कैमरे में आ पाए, आप तो दूर से भी देख सकते हैं। देखने को नहीं होता था। चलिए बोरा भरा गया, अब जाए तो इसको बंद कर देंगे।